वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, एन्युटी, ड्यू या ऑर्डिनरी एन्युटी, या फिर हम इसको इमीडिएट एन्युटी भी कहते हैं, जिसमें कि हम एक प्रिंसिपल, एक इक्वल इंटरवल पे हम डिपॉजिट कर रहे थे और उस पर इंटरेस्ट हर बार मिलता चला जाएगा. तो एक टाइम पीरियड के बाद वो पैसा मेरा कितना हो जाएगा, तो वो हमारा एक एन्युटी का क्वेश्चन था. आज हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी पढ़ रहे हैं. ऑर्डिनरी एन्युटी ही है, इक्वल टाइम इंटरवल ही है, और हर इक्वल टाइम इंटरवल पे हमारा जो एक पैसा है, एक इंस्टॉलमेंट है, वो बन रहा है. सब कुछ वही है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन है, सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और जो लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था एन्युटी, उसमें क्या डिफरेंस है? तो आइए मैं आज की क्लास की बात करता हूँ. जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो तो आपने पढ़ लिया, आज की क्लास में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या है उसको बोलते हैं. देखो बच्चे, पहले कंसेप्ट समझते हैं हम इसका, है ना. टॉपिक का नाम बच्चे हमारा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी. देखिएगा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी. बच्चे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है? इस बार क्या है कि पिछली बार तो एक प्रिंसिपल आप अपने बैंक में जमा कर रहे थे और बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट पे कर रहा था. इस बार आप कोई पैसा बैंक में जमा नहीं कर रहे हैं, आपने क्या करा कि कोई चीज लोन लिया है, इस बार कोई चीज उधार लिया है और उसका क्या करा, उन्होंने किस्त बना दिया है. पहले मेरी बात आप समझे इस चीज को. जैसे फॉर एग्जाम्पल 10% रेट आप मोबाइल फोन लेने गए, तो आपने क्या कहा कि जी मोबाइल फोन जो आपके पास में कैश में एक अमाउंट पे पड़ता है, लेकिन आपके पास में पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको फाइनेंस करवा लोगे, EMI पे करवा लोगे. तो आपको पता है कि जैसे कि वो पैसा आपके पास में 5000 रुपये, आपके पास में वो 20000 रुपये का फ़ोन पड़ रहा था, लेकिन आपने क्या करा उसको किस्त पे करवा दिया, और किस्त पे टोटल पेमेंट आपने कर दिया यहाँ पे उसका 22000 रुपये टोटल पेमेंट आपने करा है. क्लियर है बच्चे? किस्त पे देते 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 आपने देखा यार मैंने तो कुल 22000 पे कर दिए. क्लियर है बच्चे? तो इस बार जो आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे ना, तो इंस्टॉलमेंट पे आपको बैंक आपसे इंटरेस्ट भी ले रहा होगा. मेरी बात पहले समझिए, मैं पहले समझाई देता हूँ आपको अच्छे से, उस बात को समझिए. बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, पूरा प्रोसेस देख लो पहले कहानी क्या बनेगी. आपने एक फ़ोन पसंद किया, छोटा सा एग्जांपल लूँगा समझो, मैं डिजिट बड़े नहीं लिखूँगा. आपका था जी कि वो फ़ोन 5000 रुपीज़ का था. आपने क्या करा कि आपने कैश पेमेंट कर दिया, और कैश पेमेंट आपने 2000 रुपये का कर दिया. क्लियर है? अब आपके पास में कम कितना पड़ गया, 3000 रुपये कम पड़ गया. तो ये 3000 रुपये वहीं पर उस शोरूम में कोई एक फाइनेंस करने के लिए बैठा आपके पास में, उसने क्या करा कि इसके इंस्टॉलमेंट बना दी. कि 3000 रुपये आपने कहा कि भैया मेरे पास से पैसे नहीं है, आप मुझे फाइनेंस कर दो. तो आपके रिकॉर्ड को देखते हुए आपके प्रोडक्ट के ऊपर 3000 रुपये जो थर्ड पार्टी वहाँ पर शोरूम में बैठे हुए होते हैं वो शोरूम के ऑनर को दे देते हैं, और आपका और उस थर्ड पार्टी उस जो भी आप जिसने फाइनेंस किया आपको उसके साथ में रिलेशन है. अब आपके अकाउंट से हर महीने पैसे डिडक्ट हो जाएगा और वो पेमेंट उसको चली जाएगी. क्लियर है? ये बात समझ में आया आपको? आप कभी ये मत सोचना कि अगर आपका प्रोडक्ट खराब चल रहा है तो आप किस्त रोक दोगे,
तो शोरूम वाले को सबक सिखा दोगे? कोई सबक नहीं सिखा पाओगे। शोरूम वाले को जो वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, जो फाइनेंस करते हैं आपका, वो सारी पेमेंट ऑन द स्पॉट उस समय करते हैं, फिर शोरूम वाला आपको प्रोडक्ट देता है। अब आपका और उस फाइनेंशियल जो भी है, वो बैंक है, IDFC है, जो भी है, उसके साथ में रिलेशन है, वो हर महीने आपके बैंक से पैसा काटेगा। और उन्होंने बोले ठीक है, मैं आपके पैसे की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बना देता हूँ एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर मैं 3 इंस्टॉलमेंट बना देता हूँ। क्लियर है बच्चे? इसका एक 1,000 रुपये बनेगा, इसका भी एक 1,000 बनेगा, और इसका भी एक 1,000 रुपये बनेगा, 3 इंस्टॉलमेंट। तो आप भी इस बात को ज़रा समझिए, अगर मैं 3 इंस्टॉलमेंट 1,000 का बना दूंगा, तो 3,000 रुपये आपको लोन दिया, 3,000 रुपये आपने मुझे रिटर्न करा, तो बताओ बैंक ने कमाया क्या? बैंक ने कुछ नहीं कमाया। तो आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि फिर ये इंटरेस्ट नहीं बनने वाला है। क्लियर है? तो कुछ इंटरेस्ट किस तरीके से उन्होंने बनाया जरा समझो। उसने कहा कि मैं 10% इंटरेस्ट लूंगा भैया हर बार। 10% क्या लूंगा? 10% मैं इंटरेस्ट लूंगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, इस बात को जरा समझिएगा आप, ये आप एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ आप लौटा रहे हैं, या फर्स्ट ईयर के एंड में लौटा रहे हैं आप एट द एंड ऑफ द। तो इस 1,000 रुपये को आपने यूज़ किया 1 साल के लिए, तो इस पे आपको 1 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना? उसका जो 1,000 रुपये आप 1 साल के बाद ही उसको जा करके आप लौटा देते हो कि प्रभु आपके पैसा ये रहा, 1 साल के बाद ही आपने इसको लौटा दिया। तो इसके ऊपर आप कितने साल का ब्याज दोगे उस पर? 1 साल का ब्याज दोगे, तो 1 साल का ब्याज दोगे तो क्या आएगा? ₹1,100। तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,100 का बनेगा। 10% ये 2 साल बाद लौटा रहे हो, तो उसपे इस पे आपको इस ब्याज कितना देना पड़ेगा? 2 साल का देना पड़ेगा, 110% और 110%, 2 साल का ब्याज। पता लगा ना कैसे? 10% देख रहे, फिर 10% और देना पड़ेगा, कि 2 साल बाद ये आप इंस्टॉलमेंट देने जा रहे हो उसका, 1,000 रुपये 2 साल बाद लौटा रहे हो, तो 2 साल का ब्याज लेगा, तो ₹1,210 आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट हुआ। और इसको आप 3 साल बाद आप रिटर्न कर रहे हैं, तो 3 साल के बाद आप इसको जो है रिटर्न कर रहे हैं, तो इस पर आपको 3 साल के उसका 1,000 रुपये 3 साल तक यूज़ किया आपने, तो इस पर आप 3 साल का इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है बच्चे? तो इस पर आपका ₹1,331। ठीक है बच्चे? तो ₹1,331 थर्ड इंस्टॉलमेंट है। क्लियर है? तो आपने कितना इंस्टॉलमेंट पे करा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने पे करा ₹1,100, इसमें 1 साल का ब्याज मिला हुआ है। सेकंड इंस्टॉलमेंट आपने कितना पे किया? ₹1,210। और थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना पे किया आपने? ₹1,331। ठीक है बच्चे? ये आपने पे किया, तो कुल मिलाकर कितना पे करा आपने? 1 और ये 4 और आपने 3, 2, 5 और ये आपके सॉरी 3, 1, 4, 1, 3 और 3, 6 और ये 3, टोटल आपने इतना पे करा। क्लियर है बच्चे? ये आपका ₹3,641 जा चुका है, क्योंकि आपने इंस्टॉलमेंट कराया था, आपने ब्याज का भुगतान करा। अब मेरे पास से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी क्या है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पहले वो समझो। तो सबसे पहले मुझे मालूम है, मैंने जो 1,100 पे करा है, इसका मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, तो क्योंकि इस पे 1 साल का इंटरेस्ट है, तो प्रेजेंट वैल्यू मैं निकालूंगा इस पे 1 साल का इंटरेस्ट के साथ में। तो 1,100 का 1 साल का इंटरेस्ट, इस पे 1 साल का इंटरेस्ट है, तो मैं कैसे निकालूंगा कि 1,100 रुपये का प्रिंसिपल कितना बनता है? तो एक काम करिए, 1 प्लस जो आपका रेट है ना 10%, ठीक है, पावर माइनस कर दोगे, अगर आप पावर माइनस पे कर दोगे तो इसमें से इंटरेस्ट एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है? वैसे तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे 1,100 है, ये प्रीवियस फिगर में 10% एड ऑन होने के बाद क्रिएट हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? प्रीवियस फिगर का ये 110% है, और प्रीवियस फिगर का 1% आ गया, प्रीवियस फिगर 100% था, तो आपका 1,000 आ जाएगा। ऐसे कर लो, बट आपको फॉर्मूला समझा रहा हूँ मैं, तो आप इसको ऐसे करोगे तो क्या आएगा आपके पास में? 1,100 110 अपॉन 100 रेज टू पावर माइनस 1
एंड 1100 इनटू पावर, जब भी माइनस में होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ता है, 100 अपॉन 110। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास में इसके जो है ये क्या है, 1000 रुपीज आया। ठीक है, जो सेकंड मैंने पे करा है 1210 रुपये, इस पर 2 साल का इंटरेस्ट है, 1210 रुपये में 2 साल का इंटरेस्ट है, तो 1+ रेट और -2 कर देते हैं, तो 1210 इंटू, बच्चे जो है ना ऑडियो से बोलो, ऑडियो है ना उससे, सॉरी आपके पास में है ना चैट का ऑप्शन, चैट से बोलिए, 110/100 की पावर -2 एंड 1210 गुणा, मैं भी कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको, अभी कुछ भी नहीं मैंने एन्यूटी स्टार्ट करा है, बता रहा हूँ क्या है, इसमें से इंटरेस्ट एक्सक्लूड हो जाएगा, 1210 है तो बेसिकली इसका 2 साल का इंटरेस्ट है, 2 साल का इंटरेस्ट अगर इसमें से हटा देता हूँ तो प्रिंसिपल कितना बनता है, तो ये बनता है 100 अपॉन 110, तो ये आपका कट गया, ये आपका कट गया, तो ये भी प्रिंसिपल कितना बना आपका, 1000 बना। सिमिलर आप 1331 है, इस पर भी आप क्या करोगे, 1331 पे भी आपका 1+ आपका आर बाय 100 और 3 साल का इंटरेस्ट इसमें, तो -3 कर दोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, 1000 रुपीज बन जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो जो आप हर साल एक आप 1100, 1210 और 1331 आप पे करते जा रहे थे 3 साल तक, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनी, 1000, 1000, 1000, 3000 इसकी क्या बनी, प्रेजेंट वैल्यू बनी। तो आप देखो जो लास्ट क्लास हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें आप एक बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा था, बैंक आपको इंटरेस्ट पे कर रहा था और वो प्रिंसिपल इज अमाउंट कितना बन जाएगा इन फ्यूचर। अभी क्या है कि आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो उससे इंटरेस्ट हटा दोगे तो इंटरेस्ट हटा करके वो पैसा आपको अगर बाय कैश होता तो आपको पैसा कितना होता, अगर आपको उस इंटरेस्ट नहीं पे करना होता तो कैश में कितना पड़ता वो, तो कैश में 3000 का पड़ता, जो कि कितने का पड़ रहा है, 3641 का पड़ रहा है 3 इंस्टॉलमेंट से, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, 3000 हो गई। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, तो दिस फार्मूला, आपके पास फार्मूला क्या है, यहां पर पूरा फार्मूला क्या लगाओगे, पी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, आर जो आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, यहां पर इक्वल इंस्टॉलमेंट होगा, जो मैंने समझाया एक डिफरेंट इंस्टॉलमेंट था, ठीक है, यहां पे इंस्टॉलमेंट इक्वल होगा। आप बोलोगे सर इंस्टॉलमेंट इक्वल कैसे हो सकता है, अरे भाई पहले साल वाला प्रिंसिपल थोड़ा बड़ा ले लो, दूसरे साल वाला प्रिंसिपल थोड़ा छोटा, तीसरे का प्रिंसिपल थोड़ा और छोटा कर लो, उस पर 3 साल का इंटरेस्ट बन के ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा, दूसरे का बन जाएगा, तो इंस्टॉलमेंट तो इक्वली बनती है ना आप कहीं से भी लेते हो तो। क्लियर है? तो वही है कि यहाँ पर क्या होगा, आपके पास में इंस्टॉलमेंट आपका एक इक्वल इंस्टॉलमेंट है, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, एक टाइम तक आप पे करते हो, उसके बाद वो उसका प्रेजेंट वैल्यू अगर आप निकालते हो कि अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट में नहीं करवाते बाय कैश अगर आप पे करते तो कितने का पड़ता है, या इंटरेस्ट हटा करके वो कितने का फिगर पड़ेगा आपका, उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी। एग्जांपल के लिए क्वेश्चन देखो जरा आप, पहले फॉर्मूला रिवाइज, पहले फॉर्मूला पढ़ो, पी इक्वल्स टू आर, वहाँ एस इक्वल्स टू आर होता था, यहाँ पे पी है, पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ, इक्वल्स टू आर होगा, पहली बात ये समझिए। फॉर्मूला में यहाँ पर आपके पास में पहले पावर माइनस में होता था, पहले -1 होता था, अब नहीं है -1, अब है 1-, दो चीज चेंज हो गया, 1- और ये रेट जो है आपका नीचे पहले भी था अभी भी है, पहले 1 बाद में माइनस में था, 1 पहले ही है, 1-1+ दिस और पावर नेगेटिव हो गया, इसमें पावर नेगेटिव हो गया। क्लियर है बच्चे? तो P इक्वल्स टू R ब्रैकेट 1-1+I^(-N)/I। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्यूटी 500 रुपीज पेबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फॉर 8 ईयर्स, मतलब कि हर साल के आखिर में 500 रुपए आप देते जा रहे हो एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फॉर द 8 ईयर्स, इफ द मंथली इज द वर्थ द 5% मनी इज द वर्थ 5% इफेक्टिव, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज कर रहा है। देखा जाए तो 500 के हिसाब से आपने भुगतान कर दिया 8 साल में 4000 रुपए का, लेकिन हर 500 में ब्याज मिला हुआ था, ठीक है, उन ब्याज को हटा दें। अगर आप प्रेजेंट में ही बोलते हो भाई मैं लमसम देकर के फ्री होना चाहता हूँ, भाई मुझे नहीं चाहिए किस्त विस्त, तो आपको कितने का पड़ेगा। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? तो आप ट्राई करेंगे पहले क्वेश्चन, चलो आप ट्राई करो क्वेश्चन एक, फिर मैं करवाता हूँ। सर ये यूनिट कब खत्म होगा? कोशिश है बच्चे जल्दी खत्म हो जाए ये यूनिट, क्या मैंने पूरा कोर्स खत्म करके आपके सिलेबस में डाला हुआ है रिकॉर्डेड क्लासेस में,
फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी 500 रुपीज इज अ पेबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर. एक इक्वल टाइम इंटरवल पे जो पेमेंट हो रहा है वो आपके लिए क्या आ रहा है. 500 रुपीज ईच ईयर और आपके पास में एन क्या है, एन इक्वल्स टू 8 है. एंड आपके पास पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 5% है, जिसको आप आई मतलब डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो 0.05 है, 5%. तो कह रहे 500 रुपये मैं हर साल देता जा रहा हूँ, 8 साल तक मैंने किस्त का भुगतान करा तो हर, जाहिर सी बात है जब मैंने किस्त पे तो हर 500 में ब्याज शामिल है. कैसे ब्याज शामिल होगा मैंने बता दिया आपको. तो 4000 रुपये का भुगतान कर दिया. अगर मैं ये किस्त कुस के चक्कर में नहीं पड़ता तो मैं सीधा उसको दे करके फ्री होना चाहता तो मुझे कितने में मैं फ्री हो जाता. इसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी. तो आपके पास में सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, तो पी आर स्मॉल ए दिस वन एन और आई. आपको बुक में आपको 10 ईयर में ये वर्ड देखने को मिलेगा. ठीक है, आपको पता है ए क्या है. बेसिकली कुछ नहीं, आपको अपना फॉर्मूला अप्लाई करो. प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू आर, आपके पास में आर क्या है, आर ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू पावर माइनस एन अपॉन आई दिस वन. ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना है. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू आपके पास में है 500 रुपीज, 1 माइनस 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई 1 प्लस 0.05 रेस टू पावर माइनस 8 अपॉन आई 0.05 एंड रेस टू पावर कुछ भी नहीं सॉल्व करना है, पी इक्वल्स टू 500. ये 1 माइनस तो छोड़ दो, माइनस 1.05 रेस टू पावर माइनस 8 अपॉन 0.05 दिस वन. क्लियर है बच्चे, समझ में आए आपको. एंड पी इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास में, पी इक्वल्स टू ब्रैकेट 1 माइनस ये आपके पास में हो जाएगा 1 अपॉन पावर, अगर नेगेटिव होता है तो क्या होता है रिवर्स हो जाता है उसका बेस, 1.05 एंड रेस टू पावर वन अपॉन 1.05 रेस टू पावर 8. ठीक है, और इन सब के नीचे 0.05 एंड रेस टू पावर कुछ नहीं. ठीक है, सॉल्व करेंगे आप, पी इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन दिस वन. अब 1.05 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1.05 मल्टीप्लाई में इक्वल्स को प्रेस करो, वन पॉइंट 47745 अपॉन 0.05. क्लियर है, पी इक्वल्स टू आर, आर 500 रुपीज है. एंड आर इक्वल्स टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.47745 टू 0.67684 अपॉन 0.05 एंड आर इक्वल्स टू 500. यहाँ पे डाल देना 500 बच्चे, ये बार बार मैं गलती कर रहा हूँ. 500 सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 0.67684 0.32316 0.05. ठीक है बच्चे, एंड आर इक्वल्स टू 500 अपॉन
डिवाइडेड बाय 0.05, तो कितना आया आपका 6.4632। ठीक है बच्चे, एंड आर इक्वल्स टू आपके पास में मल्टीप्लाई बाय 500, तो आपके पास में आया 3231.6। जेके ठकराल से करवा रहा हूँ, ठीक है। और कहाँ से भाई, आर कहाँ से, आर कहाँ से, आर तो गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है बच्चे, प्रेजेंट वैल्यू ये है, ठीक है। तो जेके ठकराल से क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया। तो आप इसको ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हो, कोई नेगेटिव पावर के लिए अलग से आपको कोई ट्रिक और ऐसी चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है।